सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम सर्वाइव करने वाले हैं वन ब्लॉक वर्ल्ड के अंदर 100 डेज। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं स्पॉन हो चुका था अपने वन ब्लॉक पे। मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं था, मुझे बस इसको माइन करना था, इसलिए मैं जल्दी से अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मेरे पास थोड़ी सी वुड भी आ जाती है और उसको भी मैं माइन कर लेता हूँ। और उसकी थोड़ी देर बाद हमारे वर्ल्ड में आ जाती है हमारी पहली चेस्ट, जिसको मैं ओपन करके देखता हूँ तो मुझे उसमें से 2 सेब और 3 सीड्स मिल जाते हैं। उसके बाद मैं आगे माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी जगह बना लेता हूँ ताकि कोई मॉब स्पॉन हो जाए तो उसके चक्कर में मैं नीचे ना गिर जाऊँ। उसके बाद मैं वापस से माइनिंग पर लग जाता हूँ। थोड़ी देर बाद हमारे वर्ल्ड में एक पिगी भाई स्पॉन हो जाते हैं। मैं जल्दी से थोड़ी सी जगह और बनाने की ट्राई करता हूँ। उसके बाद फिर हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आ जाती है, उसकी मदद से मैं अपने लिए थोड़े से टूल्स बना लेता हूँ। अब मुझे टूल्स की काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि अब वुडन की चीज़ें आ चुकी थी मेरे पास, तो अपने टूल्स बनाना ज़रूरी थे। उसके थोड़ी बाद हमारे पास एक और चेस्ट आती है, इसमें से मुझे वाटर बकेट मिल जाती है। उस वाटर बकेट का यूज़ करके मैं जल्दी से साइड में पानी लगा देता हूँ और उसके बाद मैं नीचे चला जाता हूँ। मैं नीचे इसलिए जाता हूँ ताकि मैं एक वन ब्लॉक लगा सकूँ, ताकि ग्रेवल जैसे ब्लॉक नीचे ना चले जाएँ ग्रेविटी की वजह से, यार और किस वजह से। चलो, उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी जगह बड़ी करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि अब और भी मॉब्स आने वाले थे। और मैं जल्दी से वापस से माइनिंग पर लग जाता हूँ अपनी जगह बड़ी करके। और उसके बाद देखता हूँ एक हट जैसी चेस है जिसके अंदर से हार्ट निकल रहे हैं। उसके अंदर से मुझे टॉर्चे और कुछ सैपलिंग्स मिली और कुछ वुड मिली। मैं जैसे ही उस चेस को माइन करता हूँ, हमारा जो 0 फेस है वो ख़त्म होने वाला है। अब हमारा फेज 1 स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर से मुझे बहुत सारे ट्रीज और पता नहीं क्या क्या मिलने वाला था, इसलिए मैं जल्दी से अपनी जगह को बड़ी कर लेता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आगे। उसके बाद मैं वापस से माइनिंग पे लग जाता हूँ। उसके बाद हमारे पिगी भाई का दोस्त दूसरा पिगी भाई भी आ जाता है। मैं जल्दी से उसको बिना देखे माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ और थोड़ी ही देर बाद हमारे वर्ल्ड में स्पॉन हो जाती है एक काऊ। उसके बाद मैं गाय को धक्का मार के थोड़ा सा और आगे उसको लेके जाता हूँ ताकि ये मेरे काम के बीच में दखल ना दे। उसके बाद मैं वापस से अपनी माइनिंग पर लग जाता हूँ और रात में पास बेड तो था नहीं, इसलिए मैं सो नहीं सकता था। उसके काफ़ी देर माइन करने के बाद हमारे वर्ल्ड में स्पॉन हो जाती है एक शीप, और ये शीप को मैं गलती से मार देता हूँ। मेरे को लगा था कि ये शीप मेरे को नीचे ही धक्का दे देगी, बनती शाणी शीप है, देखो मेरे को धक्का दे रही है नीचे से। अब थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ ताकि इन मॉब्स को उसके अंदर ट्रैप कर सकूँ और ये गिरे भी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी मॉब यहाँ पर खाली चला जाए बेफालतू में। उसके बाद मैं जल्दी से इनके लिए एक जगह बना लेता हूँ बढ़िया सी, और उसी जगह में मैं इनको ले जाने का ट्राई करता हूँ, पर इसमें से कोई भी मॉब चाहता नहीं है, वो बात अलग है। उसके बाद मैं माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो हमारे वर्ल्ड में स्पॉन हो जाती 2 चिकन्स। अब भाई ये बहुत रेयर थी मेरे वर्ल्ड में, तो मैं इनको खोना तो नहीं चाहता था बिल्कुल भी, इसलिए मैं इनको आराम से अच्छे तरीके से ट्रैप करता हूँ। मेरे पास सीट तो थी, उसकी हेल्प से मैं इनको ट्रैप कर देता हूँ, आराम से ही अंदर चली जाती हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी फार्मिंग करना भी स्टार्ट करता हूँ क्योंकि अब भाई खाना भी तो ज़रूरी था, वर्ल्ड में कहाँ खाना मिलेगा, कोई अभी फ़ायदा नहीं था। उसके बाद मैं वापस से माइनिंग पर लग जाता हूँ और मैं देखता हूँ एक और हट की चेस आ गई थी जिसके अंदर मेरे पास कुछ सैपलिंग्स मिली और कुछ ग्रास ब्लॉक मिला था। उसके बाद मैं अपने जानवरों को सोचता हूँ अंदर डाल दूँ एक करके, ताकि ये बाहर इधर उधर टहल रहे थे खाली पी लिए, अंदर जाके मर जाएं, गिर जाएं शायद अड़ोस पड़ोस में जाके, इसलिए मैं ट्राई करने लगता हूँ अपने जानवरों को अंदर करने का। उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये जा नहीं रहा था, इसलिए मैं थोड़ा प्यार से इसको समझाता हूँ, प्यार से मेरी बात मान जाता है। उसके बाद मैं देखता हूँ सबके ग्रुप बन चुके थे, 2-2 के पेयर हो चुके थे, मैंने सोचा बाहर में जाएं बाकी के बचे हुए जानवर, इसलिए मैं चेस बनाता हूँ और अपना सारा सामान अच्छे से इन्वेंट्री में डाल देता हूँ और ज़रूरत का सामान बस अपने पास रख लेता हूँ। और साथ ही साथ मैं अब मुझे ट्री भी ग्रो करना था क्योंकि अब मुझे वुड की भी ज़रूरत थी, क्योंकि आगे चीज़ें मुझे वुड से ही बनानी थी, इतनी वुड काफ़ी नहीं थी मेरे लिए, इसलिए मुझे और ट्रीज लगाने थे, इसलिए मैं जल्दी से ट्री लगा देता हूँ। उसके बाद गलती से मेरे से ये नीचे चली जाती है। उसके बाद एक और हट की चेस आती है और जो हमारा लेवल 1 था वो भी शायद से कंप्लीट होने वाला था, और जो हमारा लेवल 2 आ चुका था जिसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले थे, इसलिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ी। मैंने फेंस लगा दिया माइनिंग के आसपास ताकि मॉब्स आए तो मैं उनसे बच सकूँ, वो मेरे पास ना आ पाए। उसके बाद जल्दी से अपने लिए स्टोन्स के टूल बना लेता हूँ और जल्दी से मैं बाकी जितने भी वुडन टूल थे उनसे स्टोन के टूल्स को रिप्लेस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ स्टोन वाले एरिया की, फिर मुझे कुछ एडवांसमेंट मिल जाता है बढ़िया सा, जिसके अंदर मुझे आयरन मिल जाता है। मैं जल्दी से फर्नेस बना लेता हूँ उसके लिए और बचे हुए ट्रीज को भी मैं कट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे वर्ल्ड में आ जाती है एक मशरूम काऊ। भाई साहब, मतलब मेरे खाने की अब कोई चिंता नहीं थी,
ओके हमारे वर्ल्ड में एक मशरूम का आ चुकी थी, पर ये इतनी इजीली अंदर जा नहीं रही थी। इसने मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, मैं इसको प्यार समझाता हूँ चली जाती है, पर ये कुछ ज़्यादा ही प्यार समझ जाती है और फिर इतनी तेज तेज भागने लगती है। मुझे कहीं लगा कि ये मेरे शीप और बाकी जानवरों को ना नीचे गिरा दे, इसलिए मैं अंदर जाता हूँ और बाकी जो पीछे का एरिया होता है उसमें फेंस लगा देता हूँ ताकि ये कहीं गिरा ना दे। और फिर मैं जैसे ही जा रहा होता हूँ देखता हूँ कि ये बस गिरने गिराने वाली होती है शीप्स को, कि मैं क्या करता हूँ, मैं धीरे 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 टाइम करता हूँ कि जल्दी से वापस आ जाए। फिर मैं देखता हूँ शीप मिलके मेरी मशरूम काऊ को गिरा देते हैं। ओ भाई साहब, स्कैम कर दिया भाई शीप ने मिलके। फिर मुझे गुस्सा तो बड़ी आ रही थी, पर मैंने कहा छोड़ो क्या करेंगे, मार के इनको। उसके अंदर फिर क्या हुआ? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। भाई साहब मज़ा आ गया, हमारे वर्ल्ड में एक और मशरूम काऊ आ गई। अब मैं इतने इसको प्यार से कहीं मारना नहीं चाहता था क्योंकि फिर से गिरा दे, लेकिन अब मेरे पास फ्रेंड्स से कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। लेकिन इतनी समझदार गाय थी ना, अपने आप ही चली गई, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतने प्यार से अंदर गई थी। उसके बाद रात हो जाती है और रात में हमारे वर्ल्ड में स्पॉन हो जाते हैं ज़ॉम्बी भाई, जिनका मैं स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, मज़ा आ जाता है। उसके बाद मैं वो स्क्रूज के और सैपलिंग्स लगा देता हूँ ताकि ये पेड़ बड़े होंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हाइट में बड़े होते हैं, इससे मुझे ज़्यादा वुड मिलेगी। उसके बाद मुझे एक चेस्ट में थोड़े से कोल और थोड़े से स्क्रूज की सैपलिंग मिल जाती है। मैं जल्दी से आयरन स्मेल्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ और उसके बाद वापस से अपनी माइनिंग को लग जाता हूँ। फिर सुबह होते ही फिर मैं अपने माइनिंग वापस चालू कर देता हूँ। फिर एक चेस्ट जिसके अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, उसमें से मॉन्स्टर स्पॉन हुए जो थे स्पाइडर्स। अब मैं उन स्पाइडर को बहुत अच्छे से मारता हूँ, एक तो नीचे गिर जाता है पर ये अड़ियल स्पाइडर नीचे नहीं गिर रहा था, इससे मुझे लड़ाई ही करनी पड़ी। काफ़ी ज़्यादा जूझने के बाद मैं आखिरकार इसको मार देता हूँ आराम से। उसके बाद हमारे पास स्ट्यू बहुत सारा हो गया था मशरूम के वजह से, इसने मुझे भूख लगी थी। मैं जल्दी से गाय का स्ट्यू खा लेता हूँ, मशरूम स्ट्यू। ओके, बहुत ही मज़ेदार था क्योंकि खाने की, अब मुझे फार्मिंग करूँ ना तब भी मेरा काम चल जाएगा, इतना ज़्यादा स्ट्यू है। उसके बाद थोड़ी सी जगह बनाना स्टार्ट करता हूँ अपने गाय के लिए, और अब मैं नहीं चाहता था कि और भी जगह कम पड़े, इसलिए मैं जल्दी से अपनी जगह बनाना स्टार्ट करता हूँ फार्मिंग के लिए भी। फार्मिंग करना भी बहुत ज़रूरी है इस वर्ल्ड के अंदर, अब मैं स्ट्यू तो खाता नहीं रहूँगा हर टाइम, इसलिए मुझे फार्मिंग के लिए एरिया बड़ा करना था। उसके बाद रात हो जाती है और रात में मेरे वर्ल्ड में क्रीपर स्पॉन हो जाता है, जिसको मैं इजीली मार देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने जो डिफेंस सिस्टम बना रखा था काफ़ी इजी था। फिर हमारे वर्ल्ड में आ जाता है भाई साहब विलेजर, और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको खो दूँ, इसलिए मैं इसको अपने ही रूम में ट्रैप कर लेता हूँ अपने एरिया में बस। लेकिन एक बार दिक्कत क्या ये थी कि अब रात होने वाली थी, और एक सेकंड ये थी गौर ज़ॉम्बी आ गया यार, एक सेकंड। फिर मैंने इस ज़ॉम्बी को बड़े प्यार से इसको नीचे टपका दिया एक ही बार में। मतलब भाई साहब ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया, विलेजर भी आ गया, अपने आप स्पॉन हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो भाई, मैंने गलती से वो एरिया तो बना लिया था, पर मैं वहाँ टॉर्च लगाना भूल गया था, इसलिए वहाँ पे मॉब स्पॉन हो गए थे। इसलिए मैं जल्दी से विलेजर्स के ऊपर शेड लगा देता हूँ ताकि ये धूप से जल ना जाए। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना विलेजर खो दूँ, काफ़ी काम आने वाला था आगे, और मुझे इसको बिल्कुल भी नहीं खोना था। मैं जल्दी से इसके लिए बढ़िया शेड बना देता हूँ। फिर मैं क्या देखता हूँ, एक स्पाइडर नीचे गिर जाता है अपने चुतिया पे की वजह से। बाकी मैं फेंसिंग लगा देता हूँ उसके आसपास, मैं नहीं चाहता था कैसे भी ये बंदा बाहर आ जाए, क्योंकि अब ये बाहर आ गया तो ये अब नहीं जाएगा अंदर किसी भी हाल में, इसलिए मैं नहीं चाहता था। फिर सुबह हो जाती है तो उधर के जितने भी मौत थे, जो झूठते मर सकते थे वो सब तो मर जाते हैं, और ये स्केलेटन थे इतने ज़्यादा चालू थे कि दीवार के आर पार तीर मार रहे थे। पर मैं इस कीपर को मारने जाता हूँ बड़े भौकाल से, मैं देखता हूँ अब तो ये मर गया। और जैसे ही मैं पलटता हूँ मेरी आत्मा बाहर आ जाती है, मैं देखता हूँ भाई साहब ये तो बचा रह गया यार। ओ भाई मैं बच गया, मैं लिटरली मर जाता आज। मैं कैसे भी करके वापस से अपनी चीज़ें जोड़ लेता हूँ और वापस से अपने काम पे लग जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि ये स्पाइडर दिन में तो मार नहीं रहा था, मैं जल्दी खाना खाता हूँ, इनका सफाया कर देता हूँ। उसके बाद मैं वापस से वुड तोड़ना स्टार्ट करता हूँ स्प्रूस की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वुड थी। उसके बाद मैं क्रीपर को भी मारता हूँ और बाकी माइनिंग अपनी स्टार्ट कर देता हूँ वापस से। उसके बाद मेरे पास एक और हट वाली चेस्ट आ जाती है, जिसमें मैं लेवल 3 पे पहुंच जाता हूँ फिर, जिसमें आईसी अब यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ वाला एरिया होने वाला था। उसके बाद अपना बेड लगा देता हूँ गलती से बाहर, वो जैसे इस बेड को हटाता हूँ वो बेड अभी नीचे ही चला जाता है। मतलब क्या ही नशे हो, कुछ ज़्यादा ही ग्रेविटी नहीं हावी हो रही हम पे। इसके बाद मैं एमरजेंसी के लिए अपने 2 बेड बना लेता हूँ, ताकि आगे चल के एक कोई चला जाए तो एक मेरे पास होना चाहिए, जो हमेशा मैं कैरी करके रखूँगा। उसके बाद मैं बाकी की जगह भी भर देता हूँ,
ताकि मैं यहाँ पे आधे में तो फार्मिंग कर दी थी मैंने, और आधे में मुझे अब पेड़ अब ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैं अब फार्मिंग एरिया अपने पेड़ों का बड़ा करना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी से डर्ट लगा देता हूँ और उसी डर्ट के अंदर मैं बाकी के सैपलिंग्स भी लगा देता हूँ। स्प्रूस की सैम्पलिंग मैं हमेशा यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वुड मिलता है, इसलिए मैं और कोई नहीं यूज़ करता। उसके बाद मैं जल्दी पे अपने जितना भी बड़ा बेस फेंस लगाना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं गलती से भागता भागता हूँ और गिर ना जाऊँ। इसमें मैं पूरे बेस में फेंस लगा देता हूँ और हमारा जॉम्बी भी बिल्कुल अच्छे से ठीक है, और गलती से मेरे से ये खुल जाता है। वो भाई मैं मतलब उस टाइम क्या बताऊँ, मैंने गलती से इसको खोल दिया था और मैं अंदर कैसे भी करके हेल्थ डैमेज कर करके मैंने इसको अंदर ही रखा, खैर आया नहीं है बाहर। लेकिन अब मेरे पास दिक्कत ये बहुत बड़ी हो गई थी कि उसको अंदर वापस शेड में कैसे डालें, ये आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं कितने ट्राई किया, मैंने कम से कम बहुत ट्राई किया, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को, पर ये बंदा भाई साहब अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से एक ट्रैप किया, फिर से बाहर निकल गया यार। अब मैं सोच रहा था कि अब कहीं बाहर ही ना रह जाए, और सुबह होने ही वाली थी, फिर एकदम से ये अंदर आ जाता है और मैं जल्दी से फेंस लगा देता हूँ। भाई साहब मैं बच गया, कहीं ये बंदा बाहर निकल जाता तो बड़ी दिक्कत है। इससे मैं उसके बाद अपने लिए आयरन चेस्ट बना लेता हूँ और थोड़े से टूल्स बना लेता हूँ, बढ़िया से मैं वापस से माइनिंग पर करना स्टार्ट हुआ। तो हमारे वर्ल्ड में स्पॉन हो जाता है एक डॉगी, और जिसको मुझे अपना पेट बहुत बनाना ज़रूरी था क्योंकि मैं उस वर्ल्ड में अकेला नहीं रहना चाहता था, और मैं जानता था डॉग जो है मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। उसके बाद मैं बाकी स्केलेटन को ही मारता हूँ और जिनसे मुझे हड्डी मिल जाती है इसके अंदर उसको टेम कर लेता हूँ। इसका नाम बाद में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, अभी हमारे पास वो है नहीं नेम टैग। उसके बाद रात हो जाती है और फिर मैं इन मॉब से फाइट करना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद बाकी दिन माइनिंग ही माइनिंग करता रहता हूँ। उसके बाद हम वर्ल्ड में स्पॉन होती है फॉक्स, और मैं नहीं चाहता था ये फॉक्स जाए और मेरे चिकन्स को मार दे, इसलिए मुझे इनको निपटाना पड़ जाता है, और क्या कर सकता हूँ यार। उसके बाद हमारे वर्ल्ड में एक दोस्त और फॉक्स स्पॉन हो जाती है, मतलब कितनी फॉक्स हैं भाई इस गेम में। उसके बाद मैं भी उनके साथ वही करता हूँ जो पहले वालों के साथ किया था। उसके बाद मैं वापस से माइनिंग करता हूँ। हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मॉब स्पॉन हो जाता है, वो होता है पोलर बियर। अब इतनी आसानी से तो बाहर आ नहीं वाला था, इसलिए मुझे अब इसके लिए घर बनाना था क्योंकि इतना भारी भरकम उसका अब मैं अपने इस बेस में खुला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं जल्दी से इसके लिए एक घर बना देता हूँ बढ़िया सा, ताकि ये अंदर रहे आराम से, इसको कोई दिक्कत ना हो खाने पीने की भी। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी इसका घर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसके आसपास फेंस लगा देता हूँ ताकि ये गिर ना जाए और ना मैं गिर जाऊँ। मुझे नहीं चाहता था कि मैं कोई में से हम दोनों से कोई गिरे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं इसको अंदर ट्रैप कर देता हूँ। भाई साहब ये जानवरों को ट्रैप करना सबसे टफ काम है। उसके अंदर अपने पोलर बियर को अंदर प्यारे रख देता हूँ और फिर मैं आगे की माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद अब मुझे इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाना था, जो कि बहुत आसान था मेरे लिए। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे बनाना है इसको, आपको कुछ नहीं करना। देखो मेरे पास देखो दो वाटर बकेट तो थी नहीं, और लेकिन मेरे पास एक आइस थी। मैंने एक वाटर बकेट को यहाँ प्लेस किया और दूसरी आइस को मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने आइस को फोड़ दिया और जल्दी से, और उसके बाद हमारा वाटर सोर्स बन तैयार हो गया है। समझ लो इतना ईजी था यार इसको बनाना। अब मेरे पास इन्फिनिट वाटर सोर्स भी हो चुका था, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी, इसलिए मैं अब बनाना चाहता हूँ अपने लिए एक मॉब फार्म, मतलब एक्सपी फार्म बनाना चाहता हूँ, ताकि मुझे उसमें से चीज़ें मिल सकें। मुझे अब वीट खा नहीं सकता और मुझे बाकी सारी चीज़ें भी उस एक्सपी फार्म से मिलेगी। जो भी चीज़ें एक्सपी फार्म में यूज़ होने वाली होती मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे वर्ल्ड में ये मॉन्स्टर पार्टी स्पॉन हो गई थी, इसलिए मैं इसको दूर से आराम से ही मार देता हूँ, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई मेरे लिए। Blue, the feeling behind my eyes.
stood out cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer, I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. Whiteout skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. जल्दी वाटर बकेट से पानी डालना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि सारे पंप नीचे गिरे जाके, और हमारा मॉक पंप बनके तैयार हो चुका था इसके, ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था। मैंने इसको ट्राई करके देखा, काफ़ी इजीली वर्क कर रहा था ये, और एक तो हाइट पे थे इसलिए मॉब ज़्यादा ही एफिशिएंटली वर्क कर रहा था। क्या मैं जल्दी से मॉब्स को मारता हूँ और जल्दी से चीज़ें इकट्ठा स्टार्ट करता हूँ। मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोन्स मिल रहे थे, इसमें से एरोज मिल रहे थे जो कि मेरे लिए बहुत सही था। उसके अंदर इसके चारों तरफ पे फेंस लगा देता हूँ सिक्योरिटी के लिए बढ़िया से। उसके बाद उस फार्म में से हमें कुछ कैरेट्स, कुछ पोटैटो और वीट जो हमारे पास पहले से था उसकी फार्मिंग मैं कर देता हूँ। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अब आ चुकी थी, हमारा वर्ल्ड अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था और हमारे 50 डेज़ भी कम्प्लीट होने वाले थे। उसके बाद मैं जल्दी से अपने बचे हुए जितने भी मॉब थे उन सबको फीड कर देता हूँ, एनिमल्स का उनको सबको फीड कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपनी सारी काउ को भी फीड करना स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने 50 डेज सर्वाइव कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना। इसका पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।